लाहौर से कराची तक 1200 किलोमीटर का सफ़र ट्रेन में तकरीबन 16 से 18 घंटों में तय होता है और पूरे 3 साल बाद ये सफ़र करने का मौका मिला है। ये बहुत ही दिलचस्प और यादगार सफ़र है। आगे टिकट ले ली है, लेट हो गए, गाड़ी निकलने वाले सिर्फ 5 मिनट रह गए। ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हम कराची के लिए बैठेंगे। अब हमें लेट हो गई है, गाड़ी निकलने वाली है। ये शाह हुसैन है कि अब इस पे बैठेंगे। जो ग्रीन लाइन थी वो निकल गई, सिर्फ 10 मिनट का टाइम का वक्फा पड़ा है, निकल गया। अब ये लास्ट टाइम है, 9 बजे निकलता है कराची के लिए, लाहौर से कराची। लाहौर का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से कराची के लिए रवाना होंगे हम। ये हमारा बोतल ले ला ये लाहौर का दरिया रावी क्रॉस कर रहे हैं। रात का सफर है, कुछ दोस्तों मोबाइल से टाइम पास कर रहे हैं और कुछ खिड़की के पास बैठकर, और ज्यादातर लोग सो कर ही आ रहे हैं। ये फैसलाबाद स्टेशन है और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे करेंगे। फैसलाबाद स्टेशन पे यहाँ पे हम रात का कुछ खाना खाएंगे। तीन नान और क्या लेना, 45 रुपए। नहीं, फैसलाबाद स्टेशन है जी ये। सुबह हो गई है, अभी आंख खुली है तो सुबह हो गई है। कैंटीन ढूंढ रहे हैं, कैंटीन से नाश्ते का है प्रोग्राम। एक बोगी से दूसरी बोगी में जाते हैं। रोहड़ी सिंध के अंदर ही है ये रोहड़ी। सुबह के 8 बज गए हैं, नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। ट्रेन यहाँ को 10 से 15 मिनट स्टे करेगी।
आप सिंध में एंटर होते हैं तो आपको खजूर के बागात दिखने शुरू हो जाते हैं। इस एरिया में खजूर वाफर मकदार में काश्त की जाती है। लाहौर से कराची तक का सफ़र तकरीबन 18 घंटे का है, जिसमें मुख्तलिफ स्टेशन आते हैं। हम रात तकरीबन 9 बजे के करीब लाहौर से निकले हैं और दोपहर 3 बजे के करीब कराची पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो तमाम सफ़र आपके साथ शेयर करते जाएंगे। शाह हुसैन ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं, शाह हुसैन। इससे पहले एक ग्रीन लाइन थी जिसके लिए हमारी बुकिंग थी, तो वो हमें पहुंचने में कुछ लेट हो गई, जिस वजह से वो ट्रेन निकल चुकी थी, लिहाजा हमें शाह हुसैन का ऑप्शन बचा था। यहाँ पर ट्रेन स्टे नहीं करेगी, छोटे स्टेशनों पर स्टे नहीं करती। ये हैदराबाद स्टेशन आ गया, कराची के बाद सिंध का दूसरा बड़ा। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है, कराची के बाद नंबर आता है हैदराबाद का। ये स्टेशन है हैदराबाद का, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ये इन्होंने कुएं निकाले हुए हैं कोयला निकालने के लिए, ये जमीन से कोयला निकालते हैं। यहाँ पे चंबीर का एरिया, ये लाइन के लाइन सैकड़ों की तादाद में इस एरिया में विंड मिल्स लगे हुए हैं बिजली बनाने के लिए। कराची से थोड़ा ही पहले एक छोटा सा स्टेशन है बिन कासिम।
कराची एंटर हो गए हैं, कराची की जो इमारतें हैं वो दिखने शुरू हो गई हैं। ये कराची का छावनी सदर स्टेशन आ गया, माई कलाची दो दरिया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो बीच के बिल्कुल ऊपर है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है वहाँ का, वो भी आपसे शेयर करेंगे वहाँ के खाने। एक कराची मेन सदर है, यहाँ पे ट्रेनें कोई आ रही है कोई जा रही है, ये लाहौर जाएगी मेरे ख्याल में अब, और वो ट्रेन जिसपे हम आए हैं वो है, काफ़ी गहमा गहमी रश है, और ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से दूसरे रस्ते निकलेंगे हम, तीनों पटरियों में बहुत रश है। ये कराची का सदर रेलवे स्टेशन है, 18 से 19 घंटे लगे हमें, यहाँ से टैक्सी लेंगे दो दरिया। दो दरिया का मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, कौन जाएगा भाई, दो दरिया वाला है कोई, ये ले जाओ। स्टेशन से बैठे हैं, रिक्शा लिया है, और रिक्शा लेके हम जाएंगे दो दरिया अल हबीब रेस्टोरेंट, और सी व्यू पे है, बड़ा सी व्यू का वहाँ पे बड़ा ज़्यादा व्यू ज़बरदस्त है वहाँ पे, और दिखाते हैं आपको दो दरिया का एरिया।